देशद्रोह के कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट से ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को ये कहा है कि देशद्रोह कानून पर फिर से सोचिए। आईपीसी की धारा 124A जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा फैसला दिया है कि देशद्रोह की कानून पर दोबारा सोचिए। आपको माफ कीजिए, 124A के तहत आपको बता रहे हैं ये धारा, जो कि ये कहती है कि देश के खिलाफ बोलने लिखने वालों, किसी भी तरह के चिन्ह के इस्तेमाल करने वालों को इस दायरे में लाया जाता है और इस पर आपराधिक केस बनता है। लेकिन क्योंकि कोर्ट में ये मामला उठाया गया कि इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, राजनीतिक द्वेष के लिए इस्तेमाल हो रहा है, अपने विरोधियों को कुचलने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया। और हालांकि इससे पहले केंद्र सरकार ने हलफनामा देकर ये कहा कि सरकार इस पर विचार कर रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी अपने आप में बड़ी है। इस वक्त और जानकारी के साथ गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, सुप्रीम कोर्ट अगर ये कह रहा है कि इस कानून पर दोबारा विचार करें, तो इसका मतलब कानून खत्म करने की दिशा में इस निर्देश को माने या मौजूदा हालात और दौर के हिसाब से बदलाव की दिशा में इसे कदम माने? देखिए, अब इस मामले में जो दलीलें केंद्र सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से रखे गए, तीन सवाल जो हैं कल वो सुप्रीम कोर्ट ने पूछे थे केंद्र सरकार से कि वो ये बताए कि इस मामले में उसका स्टैंड क्या है। तो दूसरा ये कि जो इस मामले में पेंडिंग केसेज हैं, जो लोग अभी भी इसमें अदालतों जेलों में हैं या अपनी जमानत के लिए वो इंतजार कर रहे हैं, उस पर क्या होगा, उस पर कोर्ट का जो केंद्र सरकार का रुख था वो उसी लिहाज से जो है सुप्रीम का रुख था वो उसी लिहाज से जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये पूरे मामले का जो अभी आदेश दिया है और उस आदेश के हिसाब से ही अभी चीज़ें हुई हैं। अगर इसको समझा जाए तो केंद्र सरकार चाहती है कि इस मामले में जो मामले लंबित हैं उसमें हमें जुडिशरी का सम्मान करते हुए जो भी ट्रायल चल रहा है उस ट्रायल को चलते रहने देना चाहिए। गौरव, लेकिन ये बड़ी बात है, देखिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये कह रहा है, जिसको मैं अपडेट कर रही हूँ, बड़ी बात है कि जब तक कानून पर पुनर्विचार नहीं हो जाता, हम उम्मीद करते हैं कि राज्य और केंद्र सरकारें राजद्रोह कानून के तहत मुकदमा दर्ज नहीं करेंगी। यानी जब तक इस पर पुनर्विचार नहीं हो जाए तब तक ये इस पर कोई केस जो है वो दर्ज नहीं होगा। ये कोर्ट की तरफ से बड़ी बात की गई है।